दुनिया के सबसे इंटरनेशनल शो हम ही हैं, बाकी जितना लोग सब वीरेंद्र शास्त्री है। दुनिया के सबसे इंटरनेशनल शो हम ही हैं, बाकी जितना लोग सब वीरेंद्र शास्त्री है। दुनिया के सबसे इंटरनेशनल शो हम ही हैं, बाकी जितना लोग सब वीरेंद्र शास्त्री है। तो भैया एक सवाल है कि आप हमेशा गाने लाते हैं, चाहे जितने भी अच्छे अच्छे गाने हो, लेकिन लास्ट में उसके आरोप लग जाते हैं कि चोरी के आरोप लगाने जाते हैं, और आप वैसे लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो बाद में आपको गाने देते हैं? जी जी आप देखिए, उनकी संस्कार है, उसके हम उसको नहीं बोल सकते। अगर आपको देखिए, लोग कहते हैं कि कुत्ते को भी नहीं बोल सकते, जिंदगी में हमेशा इसलिए आप बोलते हैं ना कि आप जो गाने गाते हैं उसके चोरी का आरोप लगाते हैं। दुनिया के सबसे इंटरनेशनल चोर हम ही हैं, बाकी जितना लोग सब वीरेंद्र शास्त्री है। दुनिया के सबसे इंटरनेशनल चोर हम ही हैं, बाकी जितना लोग सब वीरेंद्र शास्त्री है। सबसे ज्यादा आरोप आप ही कहे लगा रहे, सबसे सबसे ऊपर हम आने का आरोप लगा रहे हैं, जो सबसे ऊपर रहेगा वो ऐसे ही करता हुआ। सूर्य ऊपर रहता है तो नजर लोगों के ऊपर रहती है, जब ना पेड़ पर ज्यादा फल होगा ना तो मेरा कभी ना घबराई ले, हम ऐसा फलदार फल हो ना कि हम भागो में फल जाए, हमारा नाम खेसारी है, कोई छिप छिप बराबर है। यहाँ पे आए क्या खेसारी लाल यादव जी, यूट्यूबर्स को सम्मान देंगे? अगर सम्मान होता तो आप यहाँ आपका प्यार ही सम्मान है हमारे लिए, किसी के घर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ का सम्मान ही करता है, तभी आपको बुलाता है। ऐसा नहीं कि माला पहना देने से किसी का सम्मान होता है। अब हम वहाँ की कहाँ बड़ा सर है, हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम आपको आप ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आप ही है। हम जीवन में कभी देखिए जानता लोगों बोला हम सच्चाई समझे, बाकी तुम सच्चाई ना बोले लगे से मैंने लगे लगे ना बहुत साफ सुथरा हम सच बोल दिए तो भाई भाई सच तो हमेशा प्रॉब्लम है लगे पराजित है जिंदगी में। सच ये बोलिए और यूट्यूबर को क्या कहना अच्छी बताइए, आप आए हैं आपको हम सम्मान दिए तभी आप यहाँ खड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल को लाठी लेकर दुआरी पर खड़ा कर रहा है। इसकी आदि शक्ति एक ऐसी कंपनी है कि सबसे ज्यादा 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन गाना करने वाली कंपनी है। आप लोगों को एक रिकॉर्ड बताता हूँ, भतीजवा की मौसी जो मेरा भोली थी, भतीजवा की मौसी जो मेरा भोली था, वो अभी तक के भोजपुरी में हिंदी के किसी भी रिकॉर्ड में नहीं होगा कि एक दिन में 30 मिलियन हुआ था भोली के लिए। तो इनके चैनल का एक हमेशा लग रहा है कि जब भी मैं इनके चैनल के लिए कुछ करता हूँ तो वो लोगों का भर भर का प्यार मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके चैनल पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है खेसारी लाल यादव के। तो कोशिश यही रहती है बाबा का प्यार। हम लोगों ने पहला गाना बाबा का, मैं बताता हूँ कि पहला गाना मैंने इनका 70,000 में दिया था, पहला गाना जब दिया था, और आज खेसारी को उसका दसगुना दे रहे हैं, यही देने वाले हैं कि 70,000 से शुरू किए और आज दसगुना के मालिक भी हो गए। आज जीवन में हर वो चीज के पास है जो ये कभी सोचे नहीं थे। तो कोशिश आदमी करे तो जीवन में बहुत बड़ा हो सकता है। मन चाह आपको पसंद करता हूँ, मैं आपके भाषा को पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं सुनता हूँ अर्जुन को सुनता हूँ हमेशा। तो आप लोगों की कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी भाषा मुझे बड़ी प्यारी लगती है, आपके शब्दों में उपचारित होता है, और कोशिश में सब भाइयों से यही कहूँगा कि आप ऐसा कुछ बोलिए कि हम आपके नाम से जाने, और आप जब बुरा बोलिएगा तो हम आपको सुनेंगे ही नहीं। तो कोशिश ये करिए कि आप अच्छा बोले कि खेसारी अगर मंच पे हो तो आज जिस तरह मैं चाह के लिए कुछ बोल रहा हूँ उस तरह मैं सारे भाइयों के लिए बोलूँ। तो अपने भाषा को हमेशा नियंत्रण में रखिए, ताकि अपने भाषा की बातें हैं, अपने भाषा के गायकों की बातें, अपने भाषा के कलाकारों की बातें। कभी जी हमारे विशाल भारती जी सब लोग सब सबका मुझे हमारे खाने देखे
विशाल जी अपने दो बजे रहे हो और हमें केसरी विशाल भारती जो इस गाने के डायरेक्टर हैं, बहुत सारे गाने उन्होंने मुझे दिया है। सैया के पहला रोटी खरी हुए जान, अभी मेरा तीसरी से जो गाना है जून में कि गली सुन करके चल जाए भेजो गाना, तो गाना बहुत काफ़ी वायरल है। वो ट्रेंडिंग पहली बार टी सीरीज ट्रेंडिंग में आया, भोजपुरी में पहली बार टी सीरीज ट्रेंडिंग में आया, तो वो उसका योगदान कहीं ना कहीं विशाल भारती का है, मेरा नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतर गाना लिखा कि वो गाना ट्रेंड में आया। हमारा मनु जी जो मनु श्रीवास्तव उसके म्यूजिक डायरेक्टर है, तो कोशिश हम सबकी थी कि हम बेहतर करें और आज हमारा जिला पर हमर जिला से हटे नचे नचनिया के पर हो जाए भैया आला में दोबारा फिर आई दूंगा भैया। हमर जिला बाबूला कहाँ चल गए पीछे भैया, बहुत दिन भैया समाज से क्वेश्चन ये है, गाना रात में शूट हुआ है और आज दूसरा गाना रिलीज होने वाला था, ऐसा क्या है कि आज इस गाना को रिलीज करना पड़ा भाई? भोजपुरी में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं अचानक की बात नहीं है, एक और गाना शूटिंग होने वाला था वो लीक हो गया है। रीजन ये है, जानते हैं क्या है, क्योंकि अच्छा बस चुराइयो जो गा देता हूँ बाद वो भी बनने के लिए फायदा ना अपन बेचती है नहीं करके, तो कोशिश करिए। देखिए बात बताओ, मेहनत करके अगर आप आगे बढ़िएगा तो जीवन में बहुत सफलता मिलेगी आपको, और खेसारी लाल यादव चुरा के आगे नहीं बढ़ रहा। आप सब जानते हैं मेरी जीवन की हकीकत को, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है, हर आदमी हर व्यक्ति भोजपुरी से बोलने वाला हर व्यक्ति मेरे जीवन के बारे में जानता है कि खेसारी कहाँ था और कहाँ से उठ कर कहाँ आया। मेहनत करिए जीवन में हर वो चीज़ें आपको मिलती है। गौशित लड़के आपका गौशित लड़के भोजपुरिया समाज का अच्छा लड़के वाले भाई अच्छा समीर समीर अच्छा चलिए थैंक यू समीर, बहुत प्यारे बोलते हैं आप हमेशा सबके बारे में बोलिए। आप लोग मैं एक ये नहीं कह रहा हूँ सिंह से सारी के बारे में बोलिए, आप बोलिए प्यारा बोलिए ताकि किसी को दिल के ठेस ना पहुँचे। बड़ा मेहनत करते हैं हम लोग आप सबके मनोरंजन के लिए, आप सबके प्यार के लिए, तो कोशिश हमारी रहती है भोजपुरी को बड़ा करने के लिए, और आप एक शब्द में आप उसको छोटा कर देते हैं तो दिन की तकलीफ होती है। सवाल है आपसे, सबसे ज्यादा आरोप आप ही कहे लगा जब सबसे सबसे ऊपर हम आने का आरोप लगा पा जो सबसे ऊपर रहेगा वो अच्छी करता हुआ सूर्य ऊपर रहता है तो नजर लोगों के ऊपर रहती है, नहीं जब ना पेड़ पर ज्यादा फल होगा ना खेला वही बचा खड़ी ना घबराइए, हम ऐसा फलदार फल है ना कि हम भागवत में फल जाए, हमारा नाम खेसारी है कोई छिप से बराबर है। देखिए उनकी संस्कार है उसके हम उसको नहीं भेज सकते, अगर आपको देखिए लोग कहते हैं कि कुत्ते को भी नहीं भेज सकते, जिंदगी में हमेशा रहिएगा। आप बोलते हैं ना कि आप जो गाने गाते हैं उसके चोरी का अलग अलग है, ये दुनिया के सबसे इंटरनेशनल चोर हम ही हैं, बाकी जितना लोग असर धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री जी है, बाकी हम जो माटी हैं दुनिया के सबसे बड़ा चोर है, वो पीछे ही नहीं है। आप अच्छे बताइए हम चुरा के ही क्या कर अब आपसे बेहतर कर देते हैं, चुरा के गा लीजिए अब हम तरह से बेहतर कर लीजिए, तरह से ज़्यादा दीपक जला हमारे गाना ट्रेंडिंग में चल गई तो चोर के हम चोर के हम जो जल्दी बाजी में गावे तो चोर वो हम तो हम सजा के गौनी बेहतर करके गौनी बेहतर वीडियो करनी बेहतर टाइम रहनी तो कौनों भी गाना में टाइम रहा जाएगा तब नहीं मन होगा जी। अब दौनी खाना के लिए एक बार तकाली चला जाए तो साजिश होगी ना होगी वो करके बार बार चल रही गाँव में हर मसाला डाल मसाला मिले नहीं करेगा खेसारी लाल यादव जी से सवाल रहेगा मैं भोजपुरी के सबसे बड़े सुन अच्छा अच्छा भैया इस गाने को आज प्रमोट करने के लिए कई सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे आए हैं, क्या खेसारी लाल यादव जी यूट्यूबर्स को सम्मान देंगे?
अगर सम्मान नहीं होता तो आप यहाँ आते कैसे? आपका प्यार ही सम्मान है हमारे लिए। किसी के घर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ का सम्मान ही करता है, तभी आपको बुलाता है। ऐसा नहीं कि माला पहना देने से किसी का सम्मान होता है। अब हमको आगे कहाँ बड़ा सर है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। हम आपको आप ही बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर आप ही है। हम जीवन में कभी देखे जानता रहोगी कहे बोला हम सच्चाई बोलते हैं, बाकी क्यों सच्चाई ना बोले लगे से मैंने लागे लगे ना बहुत साफ सुथरा हम सच बोल दिए तो भाई भाई सच तो हमेशा प्रॉब्लम है लगे लगे पराजित है। जिंदगी में सच ये बोलिए और यूट्यूबर को क्या कहना चाहिए बताइए। आप आए हैं, आपको हम सम्मान दिए तभी आप यहाँ खड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि खेसारी वाले को लाठी लेके दुआरी पर खड़ा करेगा, ऐसा तो होगा ना। आप मेरे भाई हैं और आप ही समाज के आईना है, हर आदमी सम्मान करेगा, क्यों नहीं करेगा? बोल देगा सर भजनी कि हाँ जब भी हम आज ये फंक्शन ये शुरुआत किसने किया आप लोगों को बुलाने का बता दीजिए। आज आप लोग हर फंक्शन में जाते हैं, इसका शुरुआत खेसारी लाल यादव से ही हुआ था, लकीर यहीं से खींचाता है। हमने ही शुरुआत की थी सारे बाबा के माध्यम से और पहली बार हम लोगों ने रील जितने भी बनाने वाले लोग हैं इनको भी सम्मान खेसारी लाल यादव ने ही दिया था, आज लोग देने लगे। तो ये लकीर नहीं है, ये सम्मान है। और आज हर आदमी अगर आप लोगों का सम्मान कर रहा है तो इसमें मुझे दुख नहीं है, मुझे खुशी है। और सारे ऐसे फंक्शन होते रहे कि आपका भी यूट्यूब चलता रहे, हमारा भी घर चलता रहे, हमारे रील वाले भाई भी प्रमोट होते रहे, उनके भी अपनी एक पहचान चलती रहे। तो शुरुआत के सारी यादों से ही होगा जो भी होगा। और कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप लोगों के लिए बेहतर में और क्या कर सकते। और किसी का सवाल? लास्ट सवाल भैया, भोजपुरी हम लोग का बहुत अच्छा है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है, स्पेशली खेसारी लाल यादव जी इसको और आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है आपने बोली कि भोजपुरी हमारा आगे जाए और यही सब हम सबको बोलना है। आज भोजपुरी आगे नहीं होता तो सात गाने ट्रेंडिंग में थे ना दो दिन पहले, और सातों खेसारी लाल यादव का ही था और सातों भोजपुरी थी। 30 गानों में से सात गाने को पूरे इंडिया में ट्रेंड कराना ये छोटी बात तो नहीं हो सकती। तो हम कोशिश तो कर ही रहे ना कि स्टेप बाई स्टेप चीजों को बढ़ पा रहे। आपने संघर्ष को देखा होगा, इसमें से मुझे किसी को नहीं लग रहा है कि किसी को बुरी लगी होगी, फरिश्ता किसी को बुरी तो नहीं लगी होगी। आने वाली आगामी फिल्म जो भी मिली है मेरी कोशिश है, जैसे मैं फिर हनुमान कर रहा उसका बजट 512 करोड़ का होगा और मैं एक कंट्री में नहीं कर रहा हूँ बल्कि 7 कंट्री में जा रहा हूँ उस सिनेमा को शूट करने के लिए। तो जैसे मैं रणदेव बसंत जी मात्र 2 फाइल को मैंने 22 दिन शूट किया है, अभी तो उसका 30 दिन बाकी है, यानी कम से कम 50 दिन एक सिनेमा को शूट रणदेव बसंत जी को, और मैंने -5 डिग्री में ओपन 45 की है। अब सोचिए कि कश्मीर में -5 डिग्री में कैसे कोई आदमी काम करता है। तो कोशिश है जो हम बेहतर करें, जो दुनिया नहीं कर रही है उसको हम अपने समाज के माध्यम से अपनी भाषा के माध्यम से दुनिया को बताएं कि हमारे समाज में भी अच्छे कलाकार हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी कहानियां हैं। फिल्मों के गाने मेरे ही बढ़िया हो गए। अच्छी बात, गलत बोलता नहीं।